अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी, 21 दिन कल पूरे हुए, अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है, मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया, रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया, बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया, जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है, पहली हमारे लिए देश है। तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उस टीवी वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा यह है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, एक राउंड में, दो राउंड में, तीन राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं, उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं, फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती, 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है।